नाखुश हैं और होना भी चाहिए, आप इतने बड़े मंच पर जब अपना एफर्ट पूरा नहीं डाल पाते हैं। पोलैंड के साइप्रियन, और अब किस तरीके से एक एथलीट अपना सब कुछ दांव पर लगाता है लेकिन अभी भी अप टू द मार्क नहीं, जो आवश्यकता है क्वालिफाई करने को लेकर। एक बार फिर बता दूं, 83.50 मीटर का डिस्टेंस हासिल करना है आपको अपने थ्रो के जरिए। दक्षिण अफ्रीका के थ्रोअर वो हासिल नहीं कर पाए। अब 2183 जॉनसन येटर अपना ही अंदाज हुआ करता है हर एथलीट का, और बहुत बेहतर जो चाहिए था वो संभवतः हासिल किया। उनके कोच ने तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त की, कितना नजदीक है या पार किया है ये बहुत जल्दी मालूम होगा। किस तरीके से अपने प्रयास को अंतिम चरण तक पहुंचाना ये थ्रोअर बखूबी जाहिर कराया करते हैं। क्या 83.50 क्रॉस किया है ना, यहां पीछे रहे हैं अभी। देखने वाली बात रहेगी फर्स्ट अटेम्प्ट, कुल मिलाकर तीन तीन अवसर हर एक थ्रोअर को दिए जाते हैं और उनके माध्यम से फाइनलिस्ट सामने आते हैं। बारह बेस्ट जो परफॉर्मर रहा करते हैं उन्हें फाइनल में जगह मिला करती है। और अब फिनलैंड के एथलीट अटेम्प्ट के लिए जाते हुए ऐतेला तालो, जी हाँ, ये क्वालिफिकेशन जो मार्क था उसे हासिल किया और उनका उत्साह बता रहा है, उनका सेलिब्रेशन बता रहा है कि उन्होंने 83.50 से ज्यादा का डिस्टेंस हासिल किया है। नीरज चोपड़ा को इस मुकाबले में आप देख पाएंगे। फिनलैंड के इस एथलीट ने अगले दौर में जगह बनाई है, फाइनल में जगह बनाई है। दरअसल दो दौर हुआ करते हैं, 12 टॉप एथलीट अगले दौर में पहुंचा करते हैं, यानी फाइनल में पहुंचा करते हैं। यहां तीन अवसर, उसके बाद तीन अवसर और। ध्यान दीजिएगा, सबसे बेहतर थ्रो करने वाले 12 एथलीट। क्वालिफिकेशन मार्क जरूर है 83.50, स्मूथ रन, बढ़िया साइड ऑन एक्शन और उसके बाद बढ़िया रिलीज। क्या डिस्टेंस पर्याप्त है? जी नहीं, बहुत पीछे, और सही भी नहीं था। फॉल थ्रो
और कहाँ गलती हुई इसको देखना होगा एथलीट को। 1643 रब निगाहें रहेंगी तमाम हमारे दर्शकों की। क्योंकि नीरज चोपड़ा अपने अटेम्प्ट के लिए आएंगे, फॉल थ्रो रहा था, अगला अवसर इन्हें जरूर मिलेगा। कुल मिलाकर 3 अवसर मिला करते हैं एक एथलीट को, और ये है भारत की सबसे बड़ी उम्मीद एथलेटिक्स में। भारत की सबसे बड़ी उम्मीद जूनियर वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं नीरज चोपड़ा। इनका भी अपना अंदाज रहा करता है, क्या बुरा नहीं है, बहुत नजदीक पहुंचे हैं, बहुत नजदीक पहुंचे हैं। क्या क्वालिफाई किया है ये देखने वाली बात रहेगी। 83.50 ये थ्रो कितना परफेक्ट है। और आप शुरुआती दौर में अगर इस तरीके का, बहुत बढ़िया थ्रो, बहुत बढ़िया थ्रो, आपने 85 को क्रॉस किया है। 86.65 86.65 मीटर नीरज चोपड़ा ने उम्मीदों को बढ़ा दिया है भारत के लिए। तो भारत के लिए एथलेटिक्स से टोक्यो 2020 से अच्छी खबर, नीरज चोपड़ा ने उम्मीदों का अनुरूप अपना प्रदर्शन किया है। और काफी पीछे, और जब आप किसी बड़े प्रदर्शन को देखा करते हैं तो बाकी प्रदर्शन थोड़ा सा निराश किया करते हैं। एक तरफ नीरज चोपड़ा 86.50 ये डिस्टेंस हासिल किया, और वहां फाउल थ्रो। अब इस ग्रुप का दूसरा राउंड प्रारंभ होगा। 3367 83.50 है क्वालिफिकेशन मार्क आपको फाइनल राउंड में जगह बनाने के लिए। ये दूसरा अटेम्प्ट था इस एथलीट का। हालांकि दर्शकों को अनुमति नहीं है स्टेडियम पर आने की, लेकिन इवेंट से जुड़े ऑफिशियल्स, सपोर्ट स्टाफ और साथ में टीमों से जुड़ा जो सपोर्ट स्टाफ रहा करता है वो स्टेडियम में आ सकता है। रिलीज करते समय शारीरिक संतुलन अच्छा नहीं था, लेकिन क्या पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन बहुत करीब हैं। इजिप्ट के एथलीट मीटर काफी पीछे रहे हैं, 83.50 मीटर यह है क्वालिफिकेशन मार्क। और अब हंगरी के एथलीट भी काफी पीछे हैं। इसके बाद एक और ग्रुप रहेगा, ये ग्रुप ए का मुकाबला है, इसके बाद ग्रुप बी, वहां भी भारत की एक चुनौती रहेगी। जो अपनी यात्रा किया करता है जैवलिन यानी भाला, वो भी दृश्य बड़ा खूबसूरत रहा करता है, ऊंचाइयों को स्पर्श करता, एक एथलीट के तमाम सारी उम्मीदों को थामे हुए जब जमीन पर लैंड करता है।
डिस्टेंस पर्याप्त है, दूरी पर्याप्त है तो खुशियां दिया करता है। सेकंड अटेम्प्ट पूरा जोर उन्होंने लगाया लेकिन पीछे रहे हैं। एक बार फिर हमारे दर्शकों के लिए बता दें 83.50 यह है क्वालिफिकेशन मार्क, यहां से आपको आगे जाना होगा। नाखुश हैं अपने आप से फिनलैंड के ये एथलीट और अब यूएसए सबसे बड़ी ताकत एथलेटिक्स में। चोटिल हुए हैं, जिस तरीके का हाव भाव चेहरे के भाव के दिखाई दिए प्रतीत होता है जैसे कहीं तो भी परेशानी है उन्हें, डिस्टेंस भी नहीं है तो थोड़ा सा चलने में भी परेशानी, यानी इस एथलीट को प्रतियोगिता की मुकाबले की चुनौती तो परेशानी दे ही रही है या बड़ा टास्क थमा रही है। साथ ही तो एक और थ्रो चाइनीज टाइप उम्मीदों से बहुत कम रिलीज करते समय चेहरा बता रहा था कि आपका प्रयास या आपकी कोशिश शायद जो रन ऑफ हुआ करता है, आप दौड़ना प्रारंभ करते हैं वहीं कोई चूक हुई या यूं कहें कि वहां से बेहतर स्टार्ट नहीं ले पाए, वापसी नहीं होती है। ये है नीरज चोपड़ा जिन्होंने क्वालिफाई किया फाइनल राउंड के लिए। भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, भारत के लिए नीरज चोपड़ा बड़ी उम्मीद है एथलेटिक्स में। अस्सी मीटर से थोड़ा सा कम रहा। स्वीडन के इस एथलीट ने कोशिशें तो पर्याप्त की, दूसरे अटेम्प्ट में थोड़ा सा पीछे से अपने थ्रो को अपने जेवलिन को रिलीज किया। दरअसल आपका जो मोमेंटम रहा करता है शरीर का उसको भी साधना होता है। आगे जो सफेद रेखा रहा करती है उसको क्रॉस नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट जब तक जेवलिन लैंड ना हो जाए। ये चीज तकनीकी तौर पर हर एथलीट को समझनी होती है और वो उसी तरीके से तमाम जीवन अभ्यास किया करता है। नीरज चोपड़ा संतुष्ट हैं, एक अच्छा थ्रो क्या अच्छा, लेकिन हाइट कहीं थोड़ी ज्यादा प्रतीत हो रही है। जब आप थ्रो की किसी इवेंट में हिस्सा लिया करते हैं 82.17 क्वालिफिकेशन से पीछे लगभग 1.25 मीटर पोलैंड के मार्जिक्लोट बहुत पीछे और रॉन्ग थ्रो जो आपका जो पैर था रिलीज करते समय रेखा पर गया और इससे पीछे होना चाहिए आपका शरीर, कोई भी शरीर का अंग उस रेखा से सफेद रंग की रेखा से अगर स्पर्श होता है तो थ्रो
गलत माना जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के एथलीट काफी पीछे, ओलंपिक का अपना जो मंच रहा करता है, बरसों की तैयारियां, कई देश तो 8-10 सालों से अपने किसी एथलीट पर काम किया कर, तो उन 8-10 सालों का संघर्ष, प्रयास, मेहनत, कोशिशें, ये सब शामिल रहा करते हैं। और दुनिया का, खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा मंच, इसीलिए इसे महाकुंभ कहा जाता है खेलों का। जर्मनी, जॉनस येटर, सेकेंड अटेम्प्ट, कितना डिस्टेंस पाया है, चेहरा बता रहा है कि पर्याप्त तो नहीं है। एथलीट भली बात जानते हैं कि उनका प्रयास कैसा रहा है, प्रत्युत्तर उनका चेहरा, उनके हाव भाव दिया करते हैं। 82.08 अच्छे तरीके से रिलीज किया, लेकिन डिस्टेंस उतना नहीं है और ये एक बड़ी चुनौती है। जैसा कि मैं बता रहा था, ये सबसे बड़ा मंच है खेलों की दुनिया का, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का दबाव आसान नहीं है उसे हैंडल करना। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो खिलाड़ी अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में बेहतर खेल का प्रदर्शन किया करते हैं, ओलंपिक के मंच पर तमाम दबाव के चलते अपने स्वाभाविक खेल का भी प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। और ये वास्तव में सबके लिए चुनौती रहा करती है, लेकिन खिलाड़ी वही होता है जो तमाम सारे दबाव को दूर करे, तरीके से प्रेशर को हैंडल करे। कितना मनन, कितना फोकस, कितनी एकाग्रता, निश्चित रूप से यहां पर सफलता मिली है चेक रिपब्लिक के इस एथलीट को। और तत्काल उन्होंने अपने हाव भाव प्रदर्शित किए, 85 मीटर के करीब उनका थ्रो रहा है। सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने ये हासिल किया और सीधे उनका जो सपोर्ट स्टाफ, उनके साथी, उनके कोचेस, 83.04 मीटर, क्वालिफिकेशन मार्क से अभी भी पीछे है, 2836।
बहुत पीछे हैं और हालांकि एक अवसर उनके पास रहेगा, लेकिन ये भी रहा करता है, आप जब क्वालिफिकेशन के लिए जाते हैं तो शुरुआती प्रयासों में अगर क्वालिफिकेशन हासिल नहीं कर पाते हैं तो एक अतिरिक्त दबाव बन जाया करता है। दबाव के साथ साथ शुरुआती थ्रो में जो आपने ताकत लगाई है, जो एफर्ट्स लगाए हैं, उसकी थकान भी रहा करती है। तो कुल मिलाकर इन 16 एथलीटों का दूसरा चरण भी संपन्न हुआ, अब तीसरा और आखिरी चरण रहेगा। ये ग्रुप ए का क्वालिफिकेशन है और सबसे ऊपर रहे हैं भारत के नीरज चोपड़ा, यानी वे जाहिर सी बात है आराम से क्वालिफाई कर ले जाएंगे। और अब तीसरा चरण, यहां से एक एथलीट नोवाक, ये आखिरी अटेम्प्ट है उनका, बहुत पीछे हैं। यहां से थ्रो भी करेक्ट नहीं है, फॉल थ्रो, रेड फ्लैग ये बताया करता है कि आपने कहीं तो भी तकनीकी रूप से इस थ्रो को सही नहीं फेंका है। इजिप्ट बहुत पीछे, तीसरा अटेम्प्ट है और तीसरे अटेम्प्ट में थ्रो भी सही नहीं है, फॉल थ्रो। तो इस तरीके से अब हंगरी के एथलीट 2275 है और अभी तक 80 मीटर को क्रॉस नहीं कर पाए हैं। आपको बाहर जाना होगा प्रतियोगिता में, आप फाइनली क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं फाइनल राउंड के लिए। एक भी थ्रो उनका 80 मीटर से आगे नहीं जा पाया है। जोर पूरा लगाया है, कोशिशें पूरी, लेकिन बहुत पीछे रहे हैं। तीसरा और आखिरी अटेम्प्ट, फॉल थ्रो, निराश हैं अपने आप से। उनका जो बेस्ट रहा है वो 85.03 रहा है, तो बेस्ट के बिल्कुल भी आसपास नहीं है। और उनके प्रदर्शन के हिसाब से विश्व में 40वां स्थान उनका है, वर्ल्ड रैंकिंग उनकी यूएसए के माइकल शुए। लगा जैसे औपचारिकता पूरी कर गए हैं, पिछले थ्रो में भी आपने देखा था लंगड़ा कर चल रहे हैं, तो फिजिकली आप परेशानी में हैं, शारीरिक तौर पर आप फिट नहीं हैं। एक एथलीट ये जरूर चाहता है कि तीन थ्रो तीनों ही फाउल, तो निराश भाव से वापस जाते हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 में जैवलिन थ्रो में आपकी चुनौती खत्म हुई।
चाइनीज ताइपे के एथलीट शी फेंग हुआंग, बेस्ट है इनका 85.86.64, लेकिन बेस्ट के बहुत पीछे, अभी तक वो हासिल नहीं कर पाए हैं जिसके लिए जाने जाते हैं। शी फेंग हुआंग 77, पिछले थ्रो से तो बेहतर किया लेकिन उतना बेहतर नहीं। और अब स्वीडन के एथलीट किम एम 82.540, ये उनका इस प्रतियोगिता में, इस क्वालिफिकेशन राउंड में बेस्ट रहा है पहला थ्रो, दूसरे में अच्छा नहीं कर पाए थे, ये आखिरी अवसर है इनके लिए। स्वीडन के 86.49 इनका बेस्ट रहा है, विश्व में 12वां स्थान रखते हैं बतौर रैंकिंग। आज इस अवसर पर सब कुछ दांव पे लगा है, ये ठीक रहा तो क्वालिफाई करेंगे, अन्यथा दुर्भाग्य से बाहर जाना होगा। पूरी एकाग्रता, पूरा ध्यान, सब कुछ लगाया, निगाहें लैंडिंग तक, लेकिन नहीं, बहुत पीछे रहे। और ये बड़ा मुश्किल दौर रहा करता है, थ्रो भी करेक्ट नहीं। तो फाइनली प्रतियोगिता से आप भी बाहर हुए, 82.40 बेस्ट रहा, जो 83.50 से बहुत पीछे था। 1 मीटर 10 सेंटीमीटर से चूक गए आप फाइनल में पहुंचने से। पॉवेल तीसरा अटेम्प्ट उनका, नजदीक तो है लेकिन इतने नजदीक इतने से काम नहीं होने वाला है। तीसरा और आखिरी अटेम्प्ट, जाहिर सी बात है आपको भी यहां से वापस लौटना होगा। 82.64, बहुत थोड़ा सा पोलैंड के एथलीट, रहे। और ये बात हुआ करती है, आप तीसरे अवसर तक आते आते बहुत सारी चीजें गवा चुके होते हैं।
जिंदा।